हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुपिटारा। सो स्टूडेंट, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो स्टूडेंट, आज हमने 10th क्लास का जो चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। तो एंडोक्राइन वर्ड इज रिलेटेड टू हार्मोन्स, और हार्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं पहले वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं कि व्हाट आर हार्मोन्स, व्हाट आर ग्लैंड्स। तो हार्मोन्स जो है स्टूडेंट, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या करता है, क्या इसमें ऐसा होता है कि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है? तो ये हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये कौन सा कंट्रोल बनाए रखता है हमारी बॉडी में? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाकर रखता है, ठीक है। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है स्टूडेंट, अब ये होता क्या है? तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट कोई डक्ट नहीं होती, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं इनके पास। और डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या है? जिनके पास कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती। तो इनके पास कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती, लाइक जैसे आप देखते हो घरों में क्या होता है, पाइप्स लगे होते हैं। तो पाइप्स क्या करती हैं? एक बाथरूम से दूसरे बाथरूम तक पानी को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। इसी तरीके से जो डक्ट्स होती हैं, वो ट्यूब्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह केमिकल्स ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। तो जैसे कि ब्लड जो है हमारा आर्टरीज और वीन्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के पास कहता है कोई भी डक्ट्स नहीं होती, इसलिए ये क्या करते हैं, अपनी जो सिक्रीशन होती है पोर देयर सिक्रीशन इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में अपनी सिक्रीशन पोर कर देती है, मतलब वहां पे पहुंचा देती है। सो अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है स्टूडेंट? फर्स्ट आता है इसमें ब्लड, सेकेंड आता है इसमें ब्लड वेसल्स VESEL, एंड थर्ड आता है इसमें हार्ट। तो ये आता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तो आपको पता ही है कि ब्लड क्या है, मेन कनेक्टिव टिश्यू है जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जो सिक्रीशन है कौन पोर करता है? ये सारी की सारी हार्मोनल सिस्टम की जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, अपनी जो भी हार्मोन्स हैं उनको कहाँ पहुंचाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम फिर क्या करता है, इन्हीं हार्मोन्स को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो सबसे पहले ह्यूमन जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसा होता है? इसके पास कोई डक्ट्स नहीं होती, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती। ये क्या करते हैं, अपने केमिकल्स को एज इट इज जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसफर कर देते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के मैंने आपको पार्ट्स बता दिए हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है फिर क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर जहां पे इन हार्मोन्स की जरूरत होती है वहां पे उनको पहुंचा देते हैं। और जहां पे ये हार्मोन पहुंचते हैं स्टूडेंट, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टारगेट साइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट साइट। तो हार्मोन्स जहां पे बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्रीटरी साइट। सिक्रीटरी साइट जहां पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, लेकिन जहां पे ये जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड उनको हम क्या बोलते हैं, टारगेट सिस्टम। सो होप आपको जो हार्मोनल सिस्टम है उसके बारे में पता चला होगा कि हार्मोनल सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल्स। और वो केमिकल्स कहाँ पे बनते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स के अंदर। डक्टलेस ग्लैंड्स कौन सी होती है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और उनमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए मैंने इतना पढ़ाया कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम
में क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और हार्मोन प्रोड्यूस करने के बाद वो अपने हार्मोन सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजती हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने के बाद वो अपना जो सिक्रीशन है टारगेट साइट तक भेज देती हैं। और टारगेट साइट कौन सी होती है, जहां पे इन्होंने एक्ट करना होता है, हार्मोन्स ने जहां पे जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये है हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और इसके अंदर ये जो आपको ग्लैंड्स दिखाई गई हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अलग अलग तरीके के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करेंगे, तो उनके बारे में अब हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम देख लेते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। तो सबसे ऊपर स्टूडेंट जो हमारे सर के ऊपर होती हैं वो है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो सबसे ऊपर वाली ग्लैंड है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के बाद थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सो पिट्यूटरी के इधर जो है एक ग्लैंड है स्टूडेंट पीनियल ग्लैंड और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हमारी थर्ड आई भी बोला जाता है। सो ह्यूमंस के अंदर भी थर्ड आई होती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड जो गले के पास प्रेजेंट होती है। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के पास प्रेजेंट होती है। उसके बाद है स्टूडेंट पेंक्रियास। पेंक्रियास कहाँ पे है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और पेंक्रियास के बाद है हमारी एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है उनकी लोकेशन कहाँ है, वो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड देन जो है ओवरीज नेक्स्ट ग्लैंड है। ठीक है, इसको गोनाड्स माना जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो ओवरी क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है जो क्या है, फीमेल गैमेट। और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं और वो क्या है, मेल गैमेट। ठीक है, उसके बाद जो है स्टूडेंट नेक्स्ट जो है एक और प्लेजेंटा। प्लेजेंटा जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान फॉर्म होता है। तो ये क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि माँ से बच्चे को क्या जाना है, खाना जाना है और माँ से ही बच्चे ने जो है उसकी सांसें जो है वो जुड़ी होती हैं, इसलिए उसको रेस्पिरेशन और फूड के लिए जरूरी है प्लेजेंटा। तो ये कब फॉर्म होता है, जब बेबी जो है वो प्रोड्यूस होता है इन द वॉर्म ऑफ फीमेल इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस में ये फॉर्म होता है और ऑब्वियसली आप इसको मैमल्स के अंदर भी देख सकते हो। सो स्टूडेंट होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है हार्मोनल सिस्टम और इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स जो हैं वो होती हैं। तो होप आपको इनकी लोकेशन जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। सो आप इसको अच्छे से देख भी सकते हो कि कौन सी ग्लैंड जो है कहाँ पे है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब हम करते हैं फर्स्ट, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है सबसे ऊपर वाली ग्लैंड है और ये क्या करती है, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको पता ही है कि ये क्या करती है, सारे के सारे हार्मोन जो है वो रिलीज करती है और रिलीज करने के बाद पिट्यूटरी जो है ग्लैंड उसको भेज देती है। और पिट्यूटरी का क्या काम है, आगे और ग्लैंड्स को मैसेज देना। और इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ द डायनसेफलॉन। तो ये डायनसेफलॉन के फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट होती है। अभी इनमें से हार्मोन कौन सा निकलता है, RH। RH कौन सा हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या फंक्शन करता है, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन्स निकलने हैं उनको ये रेगुलेट करता है कि कितने हार्मोन जो है वो आगे रिलीज करे और कितने हार्मोन जो है वो अपने पास रखे। तो वो सारा का सारा डाटा कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो ये देखिए स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन जो है वो निकल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पिट्यूटरी एक्टिवेट हो रही है और पिट्यूटरी क्या कर रही है,
सिस्टमैटिक टारगेट ऑर्गन। तो टारगेट ऑर्गन जो है, जो भी आगे बॉडी के ऑर्गन है उनको मैसेज कर रही है। तो ये कहाँ पे है हाइपोथैलेमस? हमारे ब्रेन के पास है। ब्रेन के बाद जो है मैसेज पिट्यूटरी को जाएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा, अपने जो हार्मोन है वो किसको भेजेगा, रिलीजिंग हार्मोन ऑन करेगा और वो पिट्यूटरी को जाएंगे। देन पिट्यूटरी आगे मैसेज देगी, जो भी ग्लैंड जो है वो फंक्शन करना चाहती है तो उसी को आगे पिट्यूटरी मैसेज करेगी कि आप अपने जो हार्मोन है वो रिलीज करो। नेक्स्ट जो है, अगर स्टूडेंट किसी हार्मोन की बहुत ज्यादा मात्रा हो गई है बॉडी के अंदर, तो पिट्यूटरी क्या करती है, दोबारा से मैसेज जो है हाइपोथैलेमस को जाता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपने हार्मोन जो है वो रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करना बंद कर देता है, उनकी टर्न जो है वो ऑफ कर देता है। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर हार्मोनल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 10th में पूछा ही जाता है। तो प्लीज इसको आप नोट कर सकते हो। और स्टूडेंट मैं नेक्स्ट जो है एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि 10th क्लास के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनका मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो स्टूडेंट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल द ग्लैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, ये पी शेप ग्लैंड है जो कहाँ पे अटैच होती है, हाइपोथैलेमस के साथ, एक डंडे के साथ जुड़ी हुई होती है। और ये क्या करती है, बहुत सारे हॉर्मोन्स लाइक सोमेटोट्रॉपिक हॉर्मोन, ठीक है, ग्रोथ हॉर्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, ये सारे के सारे हॉर्मोन जो है वो रिलीज करती है। अब ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये हॉर्मोन जो है अलग अलग ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करते हैं और अलग अलग ग्लैंड जो है अपने अपने काम जो है वो करते हैं इसके हॉर्मोन्स की वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, इसमें से एक और हार्मोन निकलता है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेलानिन है वो पूरी तरीके से बॉडी से चला गया होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें से और कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो 1 मार्क्स में पूछा जाता है और इसको और कौन से नाम से पुकारा जाता है, ADH हार्मोन। और ये क्या करता है, यूरिन जो है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को बनाकर रखता है और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो बना के रखता है। तो ये स्टूडेंट किडनीज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वेसोप्रिन और ADH हार्मोन। होप आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो हाइपोथैलेमस की पोजीशन, जब मैंने ह्यूमन ब्रेन करवाया था वहां पे आपको हाइपोथैलेमस की पोजीशन बताई थी। देन जो है आप पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन देख सकते हो। तो आगे हमने करना है पीनियल ग्लैंड। तो ये देखिए स्टूडेंट, जो हाइपोथैलेमस है उसकी स्टार के साथ जुड़ी हुई है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो है ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हेड रीजन में, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल स्टॉक बॉडी लोकेट अबव द एपिथैलेमस ऑफ द डायन्सेफलॉन। तो डायन्सेफलॉन का जो एपिथैलेमस पार्ट है, ठीक है, ये तीनों मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो आप मेरी डायन्सेफलॉन वाली वीडियो देख सकते हो। डायन्सेफलॉन के मैंने 3 पार्ट बताए हुए हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और सभी के मैंने फंक्शंस भी करवाए हुए हैं। तो पीनियल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एपिथैलेमस वाले एरिया में। अब ये क्या करती है, ये करती है रिलीज मेलानोटोनिन हार्मोन। और मेलानोटोनिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, कंट्रोल रिदम, मूड, स्लीप एंड सेक्सुअल सर्कल। ये हमारी बॉडी के जो रिदम है, रिदम क्या है, हमने किस तरीके से हाथ हिलाना है, ठीक है। मूड क्या है, हमारा मूड जो है वो सैड वाला है कि हैप्पी वाला है, ठीक है। तो वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, ये मेलानोटोनिन हार्मोन। और जो हमारी स्लीप और सेक्सुअल साइकल्स हैं वो भी कौन कंट्रोल करता है, ये मेलानोटोनिन हार्मोन। तो स्टूडेंट आप पीनियल ग्लैंड जो है कहाँ पे प्रेजेंट है उसकी लोकेशन देख सकते हो। ये बिल्कुल जो है ब्रेन और जो हमारा हाइपोथैलेमस वाला पार्ट मैंने दिखाया उसके बिल्कुल पास है ये पीनियल ग्लैंड।
सो नेक्स्ट है स्टूडेंट थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? गले के पास, और ये ट्रेकिया के साथ अटैच होती है. ठीक है, सो मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ. और इसकी शेप कैसी होती है? एस शेप. तो ये देखिए एस जैसे बना हुआ है, ये रेड कलर का आप देख सकते हो, ये है थायराइड ग्लैंड और ये हमारे गले के पास प्रेजेंट होती है. सो होप आपको इसकी लोकेशन समझ में आई होगी. अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है और जिसके बारे में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये रिलीज करती है. तो स्टूडेंट आपने थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है. सो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन. और ये क्या करता है? गले का जो झींगा रोग होता है, गिटोर रोग होता है, उसको खत्म करने का काम करता है. अगर थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो नहीं हुआ बॉडी के अंदर, तो गले के आगे जो है गला आगे से फूल जाता है. ठीक है, जिसको हम गिटोर डिसीज बोलते हैं. कौन सी डिसीज बोलते हैं? गिटोर डिसीज. और इसके बारे में पूछा जाता है, GOITRE. तो ये डिसीज जो है वो हो जाती है अगर बॉडी में थायरोक्सिन की कमी है. तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है. तो प्लीज साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए मैंने कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए. सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इसी चैप्टर के, तो आप वो देख सकते हो. सो नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये और हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज कैल्सिटोनिन. ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बनाकर रखता है. और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इनको चेंज करता है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होते हैं? ठीक है, तो वो आपको पता है, आपने 10th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, प्रोटीन अमीनो एसिड में है ना, फैट फैटी एसिड में. तो इस तरीके से जो है इनका जो मेटाबॉलिज्म है, इनका जो कन्वर्जन है, उसको करने में थायरोक्सिन हेल्पफुल है. ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराथायरॉइड ग्लैंड. पैराथायरॉइड ग्लैंड भी थायरॉइड ग्लैंड की तरह नेक रीजन में प्रेजेंट है और ये 2 पेयर होते हैं इनके. तो 2 जो है एक साइड पे होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पे. ठीक है, आप देख सकते हो. सो ये देखिए थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड के बीच में आप देख सकते हो पैराथायरॉइड ग्लैंड है. तो ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड. अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है स्टूडेंट, ये क्या करती है? ये जो है रिलीज पैराथ्रोमोन हार्मोन. ये पैराथ्रोमोन हार्मोन को रिलीज करती है और ये पैराथ्रोमोन हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल बॉडी में बना के रखता है. और क्या करता है ये? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड मसल. नर्व और मसल जो है हमारी बॉडी में अच्छे से फंक्शन करें, उसमें ये हेल्प करता है. सो नेक्स्ट है स्टूडेंट थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड की मैंने आपको लोकेशन बताई थी कि ये थोड़ा सा हार्ट के पास प्रेजेंट होता है. और ये होता कैसा है? अ सॉफ्ट पिंकिश बाइलोब्ड. बाइलोब्ड मतलब जिसके 2 लोब हो. सो स्टूडेंट मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा सकती हूँ. बाइलोब मतलब इस तरीके से, एक लोब है, एक ये लोब है, इसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये कैसी ग्लैंड होती है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिल्कुल हार्ट के पास. अब इसका काम क्या होता है? रिलीज थाइमोसिन हार्मोन. ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थाइमोसिन हार्मोन. ठीक है, और स्टूडेंट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो पेपर में पूछा जाता है वो है WBCs कहाँ पे फॉर्म होते हैं. तो आपने आंसर लिखना है इन थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या फॉर्म होते हैं? WBCs, जिनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स. और इस हार्मोन का और फंक्शन क्या है? ये हमें एलर्जी और वेरियस इंफेक्शन से बचाती है. सो होप स्टूडेंट थाइमस ग्लैंड का आपको वंडरफुल फंक्शन जो है वो समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट है, आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, तो हार्ट के बिल्कुल पास ही है ये थोड़ा सा. ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा हार्मोन, अच्छी ग्लैंड है. ठीक है,
नेक्स्ट है स्टूडेंट हार्ट. तो हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोरैकिक रीजन में. थोरैकिक रीजन स्टूडेंट जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं थोरैकिक रीजन. ठीक है. और थोरैकिक रीजन में ये प्रेजेंट होने की वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ANF, एट्रियल नेस्ट्री यूरेस्टिक फैक्टर हार्मोन रिलीज बाय हार्ट एट्रियल टिश्यू. तो ये आपने इतना याद रखना है कि ये ANF हार्मोन रिलीज करता है. और ये क्या करता है? बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो गया है तो ये उसको नॉर्मल करने में हेल्प करता है. तो स्टूडेंट हार्ट तो सभी ने देखा होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, जब आप किसी भी क्लिनिक में जाते हो तो वहां पे हार्ट का फोटो जरूर लगा होता है. क्यों? क्योंकि आजकल हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा है और डॉक्टर्स जो हैं वो आपको दिखाते भी हैं कि आपका हार्ट जो है वो बहुत अच्छा है, प्यारा है, तो इसको संभाल कर रखिए. तो इसलिए स्टूडेंट ये है हमारा प्यारा सा हार्ट और इसके फोर चैम्बर और इसकी एओर्टा और इसकी आर्टरीज एंड वेंस, जिसकी वजह से ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल रीजन में. कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? एब्डोमिनल रीजन. तो एब्डोमिनल रीजन कौन सा होता है? पेट वाला रीजन. तो स्टूडेंट एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करवा देती हूँ. जब मैंने पहले आपको वीडियो बनाई थी तो वहां पे मैंने आपको समझाया था बॉडी के थ्री मेन पार्ट होते हैं. तो ये है मान लीजिए हमारी बॉडी, तो ये है हमारा चेस्ट वाला रीजन और यहाँ पे हमारी आर्म्स और नीचे जो है हमारे लेग्स आ जाएंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट इसमें ये वाला रीजन है हेड वाला रीजन और ये है हमारा नेक और ये है हमारा थोरैकिक कैविटी और ये है हमारा एब्डोमेन. ठीक है. तो इस तरीके से ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी के पास. मतलब कहाँ पे होगा? बिल्कुल पेट के पास, पेट वाले रीजन में ये प्रेजेंट है. अब ये क्या करता है? रिलीज गैस्ट्रिन सिक्रीटिन क्लोसाइटोकाइनिन एंड एंटेरोक्राइनिन हार्मोन. ये सारे के सारे हार्मोन रिलीज करता है. तो ये हार्मोन क्या करते हैं? ये क्या करते हैं स्टूडेंट हार्मोन? ये स्टमक एक्टिविटी जो है उसको एक्टिव करने का काम करते हैं और ये स्टमक की एक्टिविटी को स्टॉप करने का काम करते हैं. इसकी वजह से स्टमक जो है, इसकी वजह से जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है. सो आप सोचिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसको क्या बोलते हैं? जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का रास्ता है. ट्रैक क्या होता है? पाथवे. ठीक है. तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाथवे है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से काम करता है. ठीक है. उसके बाद जो है क्लोसाइटोकाइनिन जो है वो क्या करता है? गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है और बहुत सारे पेंक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं. ठीक है. और स्टूडेंट तीन तरीके के जो जूसेस है हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं ड्यूरिंग डाइजेशन. तो कौन कौन से? इंटेस्टाइनल जूसेस, पेंक्रियाटिक जूसेस एंड गैस्ट्रिक जूसेस. और ये कहाँ से रिलीज होते हैं? ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से ही रिलीज होते हैं. और अगर ये ना रिलीज होते तो स्टूडेंट हमारा खाना नहीं पच पाता, इसलिए खाना पचने में ये हेल्प करते हैं. और स्टमक की एक्टिविटी इसी से स्टार्ट होती है, इन्हीं से ही स्टॉप होती है. सो ये देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है. ठीक है. और ये है हमारी ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के बाद स्टार्ट होता है इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो आप इसके पार्ट जो हैं वो अच्छे से देख सकते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट पेंक्रियास. सो पेंक्रियास क्या है? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल रीजन में. तो अभी मैंने आपको दिखाया. सो ये देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा पेंक्रियास और ये हमारी बॉडी की सबसे जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है. और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लिवर. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी और पेंक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. Next
नेक्स्ट है स्टूडेंट पेंक्रियास कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, और स्टूडेंट ये हार्मोन्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में. सो वो है पेंक्रियास कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है. तो फर्स्ट जो है इंसुलिन एंड सेकंड इज ग्लूकागोन. ये दोनों हार्मोन जो है वो ये रिलीज करता है. और इंसुलिन क्या करता है, ठीक है, इंसुलिन रिड्यूस ब्लड लेवल. ठीक है, ये ब्लड लेवल जो है ब्लड प्रेशर ब्लड के अंदर सॉरी शुगर लेवल जो है उसको कम करने में हेल्प करता है. और अगर ब्लड का शुगर लेवल कम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, बाय कन्वर्टिंग ब्लड ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज. तो स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद क्या होता है, आप उस खाने को एकदम से यूज नहीं कर देते. एकदम से ऐसा तो नहीं होता कि आप करंटली जो है वो कोई भी काम स्टार्ट कर देते हो. और कभी कभी क्या होता है, आपको बैठना भी पड़ता है, ठीक है, कभी कभी आपको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है. तो तब क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हमने खाना खाया है वो ग्लूकोज में चेंज होता है. ग्लूकोज के बाद वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर रहता है, सेव रहता है, ठीक है, और जो हमें फर्दर एक्टिविटी करने में हेल्प करता है. तो जब भी हमने कोई काम करना होता है तब हमें ये यूज करना होता है, देन क्या होता है फिर ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, इंसुलिन. और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, ब्लड का शुगर लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है. और सेकेंड हार्मोन जो है वो है ग्लूकागोन. तो वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है. और इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज जो है वो बनाना होता है. सो होप आपको मेडिकल फंक्शन जो है वो पेंक्रियास के समझ आए होंगे. सो स्टूडेंट इसको याद जरूर रखना है आपने. सो ये है हमारी पेंक्रियास, ठीक है, पेंक्रियास का टेल, बॉडी, नेक और हेड पार्ट. नेक्स्ट है स्टूडेंट एडर्नल ग्लैंड. एडर्नल ग्लैंड क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है. तो एडर्नल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है. तो आप लोकेशन देख सकते हो, दीज आर एडर्नल ग्लैंड जो आपको रेड कलर की दिखाई हुई है, ये है एडर्नल ग्लैंड और ये किडनी के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होती है. अब ये है, इसके दो पार्ट होते हैं, एडर्नल कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कॉर्टेक्स क्या होता है स्टूडेंट, कॉर्टेक्स और मेडुला क्या होता है. तो किडनी के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला. और बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, और अंदर वाला होता है मेडुला, ठीक है. अब जो ये दो पार्ट हैं ये अलग अलग जो है हार्मोन्स रिलीज करेंगे और उन हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शंस होंगे. तो सबसे पहले है एडर्नल कॉर्टेक्स जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरोन हार्मोन विच रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन ब्लड. तो सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, मिनरल्स है, ठीक है. तो मिनरलो से याद रखना है, ये हमारी बॉडी के अंदर दो मिनरल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है. तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हार्मोन स्टूडेंट, एल्डोस्टेरोन ज्यादा पूछा जाता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड आ गया. तो आपको मिनरल से ही याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं. तो ये हमारी मिनरल्स की कंसंट्रेशन जो है वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, तो ग्लूकोज से याद रखना है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को ये मेंटेन करता है. लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के हार्मोन को ये बैलेंस करता है, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट जो है स्टूडेंट सेक्स हार्मोन एडर्नोकॉर्टिकॉइड्स, ये क्या करता है, हमारे जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं उनकी डेवलपमेंट करता है. एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट है एडर्नल मेडुला. तो एडर्नल मेडुला से निकलता है एडर्नलिन हार्मोन और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन एडर्नलिन हार्मोन. और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट इसको एमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है. और ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिम्यूलेट करता है, ठीक है, और ये हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, और
ट्रिपल एफ हार्मोन। ट्रिपल एफ हार्मोन मतलब ये फाइट फ्राइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन जब होती है, जब आप उड़ते हो लाइक आप जब हवा में होते हो तो तब कौन सी कंडीशन होती है, लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गई है, ठीक है। और जब आप कोई आपको टेंशन होती है तो वो वाली सिचुएशन से कौन बचाता है आपको, दैट एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। तो इतना अच्छा फंक्शन है और स्टूडेंट इसके बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। सो नेक्स्ट है ये आप देख सकते हो एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये देखिए इसके दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये देखिए किडनीज के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट किडनीज, और किडनीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और ये नंबर इनका कितना होता है, टू इन नंबर, दीज आर टू इन नंबर। और ये क्या करती हैं, दो हार्मोन रिलीज करती हैं, एरिथ्रोक्वाइटिन एंड रेनिन। और एरिथ्रोक्वाइटिन एंड रेनिन हार्मोन जो है इनकी क्या फंक्शन है, एरिथ्रोक्वाइटिन स्टिमुलेट बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी। एरिथ्रोक्वाइटिन क्या करता है, वो बोन मैरो जो है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, उसको मैसेज देती है कि आप ज्यादा से ज्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस कीजिए। और आपको सभी को ये याद रखना है आरबीसीज कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो के अंदर। और इनको क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसीज मैंने आपको बताया था कहाँ पे फॉर्म होते हैं, थाइमस में, थाइमस ग्लैंड जो है वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज कहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट जो है रेनिन हार्मोन क्या करता है, रेनिन इंक्रीज ब्लड प्रेशर टू इंक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जब भी यूरिन की फिल्ट्रेशन होनी होती है तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है ताकि यूरिन जो है अच्छे से फिल्टर हो सके। तो ये है स्टूडेंट किडनीज, ठीक है। तो आप किडनीज का डायग्राम जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम किडनीज का डायग्राम जो है वो पूछा जाता है, किडनीज कैसी होती हैं, तो उसको आपने ध्यान से याद रखना है और इसको अच्छे से ड्रॉ करके भी देखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स मैंने आपको बताया था कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और इनको गोनाड्स और मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो गोनाड्स और मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं इनका मिक्स सा फंक्शन होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, और गोनाड्स मेल और फीमेल्स दोनों में होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल्स के अंदर जो गोनाड्स होते हैं मेल गैमेट फॉर्म करते हैं, और फीमेल वाले गोनाड्स जो है फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सो सबसे पहले है फीमेल फीमेल जो ग्लैंड है, ठीक है, वो है गोनाड ओवरीज, और मेल के जो है वो है टेस्टिस। और टेस्टिस क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्टूडेंट वो मेल्स का इम्पोर्टेंट हार्मोन है, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मेल्स का हार्मोन जो है वो बताइए। तो मेल्स का हार्मोन क्या करता है, मेल्स के अंदर जो फंक्शंस हैं लाइक मेल्स के अंदर जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होने हैं, उन स्पर्म की प्रोडक्शन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और बहुत सारे जो उनके जेनेटियल ऑर्गन है, उनकी ग्रोथ, उनकी जो फंक्शनिंग है, उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है, उन सभी की डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आप सोच रहे होंगे कौन से होते हैं, सो लाइक जो बॉयज होते हैं, आप देख रहे हो कि जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, उनके जो है बाल आने शुरू हो जाते हैं, है ना, लाइक जो है उनके अंडर आर्म्स के अंदर बाल आने शुरू हो जाते हैं, वो सारे के सारे चीजें क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। तो ये सारे के सारे करने में कौन हेल्प करता है, दीज आर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है स्टूडेंट ओवरीज, ओवरीज जो है वो फीमेल्स के हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, उनको प्रोड्यूस करने का काम करती है, और ओवरी क्या करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है इन केस ऑफ फीमेल्स। और ये एग क्या करते हैं, ये फीमेल गैमेट होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स माना जाता है।
तो ओवरीज जो है वो भी क्या है, गोनाड्स है, और ये फीमेल हार्मोन सिक्रेट करती है और ये फीमेल्स के अंदर ग्रोथ करने में हेल्प करती है, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है उनकी ग्रोथ करती है, और सेकेंड क्या करती है, ये एग प्रोडक्शन करती है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है ये है टेस्टिस और ये मेल्स के अंदर होती हैं, और ये है ओवरी, ये फीमेल्स के अंदर होती हैं, और इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग्स। तो होप आपको ये समझ में आया होगा सारा का सारा टॉपिक। तो स्टूडेंट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।